पौड़ी जिले के लैंसरोन विधानसभा से विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि लैंसरोन को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को जो भी गंभीरता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जाती। उन्होंने कहा कि वो अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो आपकी सरकार और ना ही पहले की सरकार ने लैंसरोन के लिए कुछ किया है। जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना हुई उसके बाद एकदम से जो है लैंसरोन एक नया पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया, और लेकिन हमने कई बार प्रयास किए हैं सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एक पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं हो पाई है, वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और लोगों के सहयोग से हम 2-3 स्पॉट वहां जो हैं तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ मनोरंजन हो सके और दर्शनीय स्थल दिख सके। नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभी तक नहीं बल्कि 20-22 साल से कुछ हुआ ही नहीं है खास, क्योंकि लोगों ने जो भी किया है वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से किए हैं और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर 2-3 पर्यटक स्थल को हम अच्छी तरह से यहाँ पर स्थापित कर सकें। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस नेता और हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुसाई ने विधायक और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिलीप रावत लैंसरोन से 3 बार विधायक चुने गए हैं, ऐसे में अगर क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए तो उसके लिए विधायक भी पूरे जिम्मेदार हैं। अनुकृति गुसाई ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लैंसरोन विधानसभा केवल पर्यटन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पिछड़ा है। बहरहाल बीजेपी विधायक के अपनी सरकार पर ही उपेक्षा के आरोपों से सीएम समेत बड़े नेता भी जरूर नाराज होंगे। देखिए, मैं तो शुरू से इस बात को कह रही हूँ कि लैंसरोन के जो विधायक हैं, जिन्होंने 11 साल, देखिए कम नहीं होता 11 साल का समय, और अगर कोई व्यक्ति सच में कोई विजन रखता हो या ऐसी इच्छा रखता हो किसी क्षेत्र के लिए मैं कुछ कर दिखाऊं, जब जनता आप पे भरोसा करके आपको चुनके भेजती है तो आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के लिए लड़ के काम करिए। अब अपना पल्ला झाड़ने के लिए अगर आप सिर्फ ये कह दो कि सरकार सहयोग नहीं कर रही, तो मैं सोचती हूँ आपकी नाकामी है, उसमें आप नाकाम हुए हैं। और देखिए, जहां तक मुझे लगता है ये आपकी राजनीतिक नाकामियां हैं और जिनको आप स्वीकार कर रहे हैं, जब राजनीतिक रूप से आप इस बात को मान रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि आप राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र के अंदर काम नहीं कर पाए, तो अब आपको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। बिकॉज 11 साल बहुत समय होता है किसी भी क्षेत्र के अंदर। 3 बार के विधायक बन के आए हो, उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, सिर्फ पर्यटन ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं लैंसरोन विधानसभा के अंदर बधान है, शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, आप सड़कों की हालत लैंसरोन विधानसभा के अंदर देखिए। 15 दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक महिला को रास्ते में प्रसव कराना पड़ा, मतलब किसी महिला की गरिमा का कितना अपमान करेंगे आप लोग? क्या इसलिए उत्तराखंड बनाया था? क्या महिलाओं ने इसलिए योगदान दिया था, इसलिए आंदोलन किया था कि आज उनको सड़कों पर प्रसव करना पड़ेगा? देखिए, सोचने वाली बात है। और आज मैं लैंसरोन की जनता से, उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि ये समय आ गया है इन सारी बातों को मंथन करने का, इस पर चिंतन करने का कि जब वोट मांगने लोग आते हैं तो नई नई मशीनें ले आते हो, नए नए टेक्नीशियन ले आते हो। आज कहाँ गए वो टेक्नीशियन, कहाँ गई वो मशीनें? अगर नैनी डांडा ब्लॉक के अंदर बात करो, किसी का हाथ टूट जाए, उसका एक्सरे कराने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, वो अगर विधायक जी को फोन करता है तो उसके खिलाफ वो थाने में कंप्लेन कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि किस तरीके की व्यवस्था है, कैसा गुंडा राज आपने उत्तराखंड के अंदर, विधानसभा के अंदर किया हुआ है। अब इसको बदलने का समय है, उसके लिए तभी बदलेगा जब हम सब लोग जागरूक होंगे। संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।